तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरी इन फ्रीडम स्ट्रगल। रिवोल्यूशनरी का नाम आता है तो आपके जेहन में याद आता होगा आजाद का नाम भगत सिंह खान, बिस्मिल्ला खान, नहीं ऑब्वियसली अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। ये एवरग्रीन टॉपिक है मेंस के लिए, जहां आपको 200 या 250 शब्द में या फिर स्टेट में दे रहे हैं तो 150 या 200 शब्द में लिखना होता है। So, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप एक क्यूट से कर सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद का एक क्यूट है कि इफ योर ब्लड डज नॉट रेज देन इट इज वाटर फ्लोइंग इन योर वेन, फॉर व्हाट इज द फ्लश ऑफ यूथ इफ इट इज नॉट ऑफ सर्विस टू द मदरलैंड। आपकी जवानी किसी काम की नहीं है अगर ये मातृभूमि के काम ना आ सके। अगर आपकी जवानी मातृभूमि के काम नहीं आती है तो आपके शरीर में खून नहीं पानी है। ये आजाद का अपना क्यूट है, चंद्रशेखर आजाद का। इनके और भी हैं या दूसरे रिवोल्यूशनरीज के और भी हैं, बट आई थिंक कि इस टाइप का क्यूट कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन को बताता है, रिवोल्यूशनरीज के इंटेंशन को बताता है जब आप आंसर की शुरुआत कर रहे होते हैं। अगर हम रिवोल्यूशनरीज की बात करें तो ऑब्वियसली जो ईयर स्टार्ट होता है इंडिया में वो है 1905। 1905 से याद आएगा आपको बनारस का सेशन, और बनारस के सेशन से आपको याद आएगा एक्सट्रीमिस्ट। उस टाइम पे तिलक एंड लाला लाजपत राय हाउएवर हम इन्हें रिवोल्यूशनरीज में काउंट नहीं करते, हम इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं शुरुआत वहां से होती है जब ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाला है उसे अपोज करते हैं और मॉडरेट कहते हैं कि नहीं हम उसका वेलकम करेंगे, उससे हम बातें करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के टकराव होता है। कहने का मतलब है कि आपकी शुरुआत एक्सट्रीमिस्ट से होती है, और एक्सट्रीमिस्ट ये गांधी के एलसीएम के फेल होने के कारण या सिंपली कहें कि विड्रॉल के कारण, गांधी जब 1922 में एलसीएम को विड्रॉ करते हैं तो जो अब तक एक्सट्रीमिस्ट थे जिनका थॉट ब्रिटिश रूल को लेकर के बहुत ही हार्ड एंड टफ था, वो अब एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एक्सट्रीमिस्ट कोई एक्शन करेगा तो ऑब्वियसली वो रिवोल्यूशन कर रहेगा। सो रिवोल्यूशनरी का कनेक्शन एक्सट्रीमिस्ट ये तिलक और लाला लाजपत राय से ऑब्वियसली है। आप याद करें कि भगत सिंह मिस्टेकेनली स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को इसलिए गोली मार देते हैं क्योंकि लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई गई थी। ऐसा नहीं था कि और लोगों पे लाठियां नहीं बरसाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू को भी चोट आई थी, उन पे भी लाठियां बरसाई गई थी। बट जो नेचुरल कनेक्शन है एक रिवोल्यूशनरी और एक एक्सट्रीमिस्ट का, वो लाला लाजपत राय और भगत सिंह के साथ जुड़ता है। हाँ, आप ऐसा सोचेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ नहीं हुई थी इसलिए उनपे जिसने लाठियां बरसाई उसको नहीं मारा गया, बट कहीं ना कहीं उनसे ऊपर ये कनेक्शन है। सो आप एक बैकग्राउंड में हमेशा जब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की क्वेट के बाद तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे कि रिवोल्यूशनरी जो अपना इंस्पिरेशन ले रहे थे उनके इंस्पायर उनका जो इंस्पिरेशन आ रहा था वो एक्सट्रीमिस्ट से आया था। एक्सट्रीमिस्ट जब गांधी एनसीएम को वापस लेते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट आता है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि विथड्रॉल ऑफ एनसीएम इज नॉट लेस देन अ नेशनल ट्रेजेडी। सुभाष चंद्र बोस विद्रॉल ऑफ एनसीएम को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, एक नेशनल ट्रेजेडी बताते हैं। इवन जो उस टाइम के मॉडरेट लीडर है लाइक मोतीलाल नेहरू वो भी गांधी से खफा हो जाते हैं। गांधी के इस विथड्रॉल के कारण सबसे पहले 1924 में बनता है हरा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत 1923 से ही हो जाती है। आप याद करें कि दूसरा भी पार्ट बना था कांग्रेस से हट करके स्वराज पार्टी, बट हम रिवोल्यूशनरीज की बात करने वाले हैं। तो आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा विद इंट्रोडक्शन ऑफ हरा। अब यहां पे आप याद करें, आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये लाला हरदयाल किधर गए? लाला हरदयाल भी तो सैन फ्रांसिस्को में बैठ करके, यूएसए में बैठ करके गदर पार्टी चला रहे हैं। तो ये जो गदर पार्टी का कंट्रीब्यूशन होगा ये आप एक अलग टॉपिक में लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम एब्रोड, है ना।
यहां हम उन रिवोल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं फर्स्ट, जिनमें मदरलैंड पे बैठ करके इंडिया में रह करके जो रिवोल्यूशन कर रहे थे। फिर आप लास्ट में जा सकते हैं, लाला हरदयाल से शुरू करके फॉरेन कंट्रीब्यूशन में देखेंगे तो फिर आप आजाद हिंद फौज पे भी जाएंगे, बोस का भी कंट्रीब्यूशन बताएंगे। बोस का कंट्रीब्यूशन एज अ रिवोल्यूशनरी कंट्री में जितना नहीं था उससे ज्यादा उनका एब्रोड से था, फ्रॉम सिंगापुर फ्रॉम जापान, तो ये एक अलग टॉपिक होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि आपका आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होना चाहिए। आप एक क्यूट से शुरुआत करें, आप एक एग्जाम्पल से शुरुआत करें, आप काकोरी कंस्पिरेसी से शुरुआत कर सकते हैं। काकोरी कांड नहीं कहा जाएगा, उसे गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया है उसका, कांड थोड़ा सा एक भद्दा सा टर्म लगता है। आप किसी और रॉबरी से शुरुआत कर सकते हैं, सेंट्रल बॉम्ब असेंबली वाले बॉम्ब से शुरुआत कर सकते हैं कि डीफ को सुनाने के लिए किया गया था, किसी भी स्लोगन से आप शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा सा एक इंट्रो देंगे आप कि ये इनके जो एस्पिरेशंस थे, जो इंस्पिरेशन था इनका, वो कहां से आ रहा है। तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट इनके नर्चर हैं, एक तरीके से पालन पोषण करने वाले हैं। आपको भी मैं बताऊंगा कि लाला हरदयाल ने इस हरा के फॉर्मेशन में अमेरिका से गाइड किया था, इनके गाइडेंस के अंदर रामप्रसाद बिस्मिल ने इसे फॉर्म किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहीं ना कहीं गांधी जी के फेलियर ऑफ एनसीएम या विड्रॉल ऑफ एनसीएम, जनरली विड्रॉल काउंट किया जाता है, बिकॉज एनसीएम अगर होने दिए जाता तो शायद ये उसी टाइम पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सफाया हो गया होता। सो जनरली विड्रॉल ऑफ एनसीएम यूज किया जाता है। तो अब आप आ जाएंगे कि गांधी के एनसीएम को विड्रॉ करने के बाद जो पहला इंडिजेनस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनता है इंडिया में, उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इनमें है सबसे पहले इनके फाउंडर रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, बहुत सारे और भी लोग हैं, अस्फाकउल्ला खान वगैरह हैं, है ना। अब हम आएंगे कि हरा का ऑब्जेक्टिव क्या था, हरा चाहता क्या था, यानी रिवोल्यूशनरी चाहते क्या थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवोल्यूशनरीज, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था और वो था फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाम से ही लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1776-75 जब अमेरिका आजाद हुआ था वहां से लिया गया है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि लाला हरदयाल गाइड कर रहे हैं, तो लाला हरदयाल बैठे हुए कहां है, ये बैठे हुए हैं यूएसए से। सो ऐसे क्वेश्चंस मल्टीफेसेट होते हैं, आप इसको इंटीग्रेट करके कहीं भी ले जा सकते हैं जहां तक ये जा सकता है। जैसे आप लाला हरदयाल का कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं, हरा में इनका कंट्रीब्यूशन था, ये जो ऑब्जेक्टिव है हरा का कि हमें कैसा कंट्री चाहिए, हमें कैसा इंडियन चाहिए, फेडरल रिपब्लिक, रिपब्लिक टर्म कहां से लिया, फ्रेंच रिवोल्यूशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया कहां से लिया, अमेरिकन रिवोल्यूशन। सो अब सवाल है कि इस ऑब्जेक्टिव को वो पूरा कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो आपने कर लिया, आपने इसमें दो चार लाइन मेंशन कर दिया, क्योंकि आपके पास टाइम की भी कमी है, आपके पास शब्द की भी कमी है, तो ऐसे शब्द होने चाहिए जो बिल्कुल नाप तौल करके लिखा गया हो। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेथड्स चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज। इनके मेथड भी बहुत क्लियर करते, इनके मेथड हमारे मॉडरेट या सो कॉल्ड फादर ऑफ नेशन के जैसा नहीं है कि एनसीएम चलाएं, कि सीडीएम चलाएं, कि सत्याग्रह करें, कि नॉन वायलेंस का हेल्प लें, या लास्ट में डू और डाई का नारा दें। इनका एक ही मेथड था, सबसे पहले आर्म्ड रिवेलियन, क्योंकि इनके ख्याल में अंग्रेज एक ही भाषा समझते और वो थी बंदूक की भाषा। सो आर्म्ड रिवेलियन, अब भाई जब आप एक पार्टी चला रहे हैं, आप एक पार्टी चला रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अभी ये हसरा होने में टाइम है, 1925 में ये बना है,
और खास करके जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप यूपी को नहीं भूल सकते। ये इलाहाबाद ही है जहां पे फर्स्ट मीटिंग होती है और ये फैसला लिया जाता है कि भाई फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग करने के लिए क्या किया जाएगा, फंडिंग करने के लिए रॉबरी की जाएगी, फंडिंग करने के लिए क्या किया जाएगा तो रेड मारा जाएगा। 1924 में ये डिसीजन लेते हैं, आप यहां एग्जांपल में समझा सकते हैं कि रॉबरी में काकोरी जो कि एक लखनऊ के पास जगह है, आज भी स्टेशन है, अब तो हेरिटेज स्टेशन है, यहां पर एक ट्रेन को लूटा जाता है, काकोरी ट्रेन रॉबरी। मकसद बहुत ही क्लियर है, आर्म्स चाहिए, बंदूक चाहिए, गोली चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि पैसे हो, तो ट्रेन को लूटा जाता है, इंफॉर्मेशन मिलता है इनको। काकोरी ट्रेन हो, काकोरी ट्रेन रॉबरी 9 अगस्त 1925 को एग्जीक्यूट किया जाता है। मैंने 9 अगस्त इसलिए लिख दिया है कि जिनको प्री दोबारा देना होगा तो प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट मंथ तो आपको याद हो, क्योंकि 1925 में और भी चीजें हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज मेंस में आपके बार 1925 भी मेंशन कर देंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि डेट के साथ लिखा जाए। आगे आप देखेंगे कि काकोरी ट्रेन रॉबरी में 5 लोग शामिल होते हैं, आजाद साहब भी शामिल है इसमें, लेकिन इनकी खासियत यह है, इसके बाद ये एक और स्टेटमेंट देते हैं कि मैं आजाद पैदा हुआ हूं, आजादी रहूंगा, और ये आजादी रहते हैं, 4 लोग पकड़े जाते हैं इसमें काकोरी ट्रेन वाले में। अगर आप पर्सनालिटी का, आपके पास टाइम है, आपके पास शब्द की कमी पड़ रही है, तो आप पर्सनालिटी के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, आप राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, इन चारों को 1927 में फांसी दे दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, लेकिन आजाद वहां से बच निकलते हैं। तो आपको ये पॉइंट आप बचाकर रखना है, आजाद की मुलाकात होगी अब भगत सिंह से, तो एक और नया पार्टी बनेगा, अब हरा हो जाएगा हसरा। तो आप देखें कैसे डेवलप कैसे होता है, आपको लिंक कैसे मिल रहा है, आप सारी चीजें याद करके नहीं जाते हैं कि आप यही पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसने पूछा रिवॉल्यूशनरी स्टार्ट किया हमने 1905 से, एक्सट्रीमिस्ट में ही अपना इंस्पिरेशन देख रहे थे, वहां से आते हैं गांधी इनको मिल जाते हैं, गांधी एक बहाना मिल जाता है, विड्रॉल ऑफ एनसीएम होता है, ये एक पार्टी बनाते हैं हरा, हरा का मकसद है ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करना, मेथड इनका बहुत क्लियर कट है, आर्म रिवेलियन, रॉबरी एंड रेड, है ना। अब यहां से नई नई चीजें शुरू होंगी, अंग्रेज खाली तो नहीं बैठे हैं, आपने काकोरी ट्रेन रॉबरी किया, हमारे 4 रिवॉल्यूशनरी चले गए, 1927 में उन्हें हैंग कर दिया जाता है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको डालना है कि दो ब्रिटिशर्स वेयर रेडी टू सप्रेस आवर रिवॉल्यूशनरी, बट उनसे कहीं 4 कदम आगे थे हमारे रिवॉल्यूशनरी। जनरली ये होता है कि अगर किसी रिवॉल्यूशन को दबा दिया जाए तो उसके जो बाकी के लीडर्स होते हैं वो या तो साइड हो जाते हैं, जो बाकी के रिवॉल्यूशनरीज होते हैं वो या तो साइड हो जाते हैं या मोडिफाई हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन अब आप देखें कि काकोरी हैंगिंग, काकोरी कंस्पिरेसी केस, ये डिटर नहीं कर पाता है, तो आपका पॉइंट बढ़ेगा नेक्स्ट कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस इन विच अ ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी, प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज, प्रोमिनेंट इसलिए क्योंकि इसमें उनको भी हैंग कर दिया जाता है जो हरा के फाउंडर हैं, रिवोल्यूशनरीज वेयर हैंग। मैसेज आप ये नहीं देना चाहते हैं कि लोगों को हैंग कर दिया गया था, मैसेज अब आप देना चाहते हैं कुड नॉट डिटर, डिटर का मतलब होता है कि कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया काकोरी कंस्पिरेसी केस द अपकमिंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। यानी आप कहना चाहते हैं हसरा के बारे में, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा हसरा, हरा में एस जुट गया है, अब इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको फॉर्म किया जाता है 1928 में। अभी जहां पे इसे फॉर्म किया गया था उस जगह का नाम है दिल्ली, अभी उसका नाम, उस मैदान का नाम कर दिया गया अरुण जेटली, पहले वो फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था।
बहुत फेमस है। भगत सिंह के कहने पर भगत सिंह इंसिस्ट करते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगत सिंह गांधी से बड़े सेकुलर थे। भगत सिंह ने मैनिफेस्टो निकाला था जब हसरा का, तो एक उसमें मेंशन करवाया था उन्होंने एक लाइन कि यहां पर आकर के कोई भी रिलीजन की बात नहीं करेगा। भगत सिंह के इंसिस्ट करने पर आजाद और भगत सिंह दोनों ने मिल करके हरा को हसरा कर दिया, जो सोशलिस्ट टर्म है यहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही बाद में ऐड किया गया हो, अमेंडमेंट करके ऐड किया गया हो, लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे खास करके रिवोल्यूशनरीज, इनका विजन बहुत बड़ा था। जनरली नेहरू को हम मानते हैं कि सोशलिस्ट पैटर्न लेकर के कंट्री में है, लेकिन उनके पीएम बनने से पहले भगत सिंह ने सोशलिस्ट टर्म यूज किया हुआ। खैर, भगत सिंह और आजाद अब ये क्या करेंगे, अब भी मेथड वही है, अब इनफैक्ट और ऐड हो जाएगा उसमें। होता क्या है, एक और इंसिडेंट होता है, देखो आपके पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं, एक इंसिडेंट होता है जो ट्रिगर करता है। अब क्या होगा, साइमन कमीशन आ रहा है 1928 में, तो साइमन कमीशन के खिलाफ सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे एक एक्सट्रीमिस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल लीडर ऑफ फ्रीडम फाइटिंग लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। भगत सिंह का स्टेटमेंट आता है कि अंग्रेजों के हाथ लाला लाजपत राय जैसे लीडर का मारा जाना ये किसी भी एंगल से डिजर्विंग चीज नहीं है, ये हमारे मदरलैंड का इंसल्ट है और इसका तो बदला हम लेंगे। भगत सिंह का निशाना होता है स्कॉट, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है किसी फिल्म से कम नहीं है। निशाना कौन है, स्कॉट। मारा कौन जाता है, सॉन्डर्स। सॉन्डर्स मिस आइडेंटिटी बन जाती, विक्टिम बन जाता है मिस्टेकन आइडेंटिटी का। और ऐसा एक दो बार नहीं होता, लेकिन भाई अब सॉन्डर्स तो मर गया तो क्या हसरा क्या बोले कि नहीं गलती से मर गया, नहीं, गलती तो हम कभी मानेंगे नहीं, अंग्रेजों को जो भाषा समझ में आएगा वही समझाएंगे। ये क्लेम करते हैं कि हां हमने सॉन्डर्स को मारा और लाला लाजपत राय का बदला पूरा, सॉन्डर्स मर गया भाई, अंग्रेज इनके पीछे पड़े हैं। भगत सिंह और आजाद ऐसा नहीं हुआ कि वो अंडरग्राउंड हो गए। इसके बाद आप अगर मॉडरेट को यहां पर कंपेयर करें तो आप याद करें 1942 का डू और डाई, जब ना तो भगत सिंह है ना चंद्रशेखर आजाद है, जब गांधी नेहरू पटेल को जेल में डाल दिया जाता है तो बाकी के जो हमारे फ्रीडम फाइटर है वो अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाते हैं। दे हैव नो करेज टू फेस द ब्रिटिशर्स, बट आफ्टर इवन मर्डरिंग सॉन्डर्स, और यही नहीं रुक जाते हैं, आजाद लॉर्ड इरविन उस टाइम पे हमारा वायसराय होता है इंडिया का, वो एक ट्रेन से जा रहा होता है दिल्ली में, तो इरविन के ट्रेन पे अटैक करना, ये सब पॉइंट है जो आपको मेंशन करना है एक्टिविटीज में। अटैक ऑन इरविन ट्रेन इन दिल्ली, बट इरविन फिर से इसमें बच जाता है, इरविन नहीं मारा जाता है। इसके बाद सेंट्रल असेंबली, जहां पर उस टाइम के लॉ मेकर्स बैठ करके लॉ बनाते थे, जहां पे बहस होता था कंट्री के फ्यूचर के बारे में, उसको बॉम्बिंग किया जाता है। ये सब किसका काम है, ये सब हसरा का काम है, बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल असेंबली। यहां पे आप चाहें तो स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं भगत सिंह का, नोट कर सकते हैं कि बिकॉज उनका उन्होंने बोला था कि ये हम इसलिए कर रहे हैं बॉम्बिंग, बॉम्ब इसलिए फेंका हमने सेंट्रल असेंबली में बिकॉज बाहरी को सुनाने के लिए थोड़ा सा जोर का धमाका करना पड़ेगा, टू मेक द डीप हियर, है ना, वो हल्का फुल्का फुसफुसाहट से नहीं सुन रहे थे। सेंट्रल असेंबली में बॉम्बिंग के बाद भगत सिंह के पीछे अंग्रेज पड़ जाते हैं, उनकी खोज जारी रहती है, लेकिन ये इतना पर नहीं मानते हैं। अच्छा, एक चीज यहां से और निकल करके आता है कि भाई इनको बॉम्ब कहां से मिल रहा था, ट्रेन में तो बॉम्ब नहीं मिल रहा था, एक्चुअली ये बॉम्ब यूनिट चला रहे थे, बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी था उस टाइम पे बंगाल में चल रहा था फैक्ट्री। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो आजाद के साथ राम प्रसाद बिस्मिल के साथ एक और पर्सन का नाम आता है जिनका नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल, दो ये बाद में साइलेंट हो जाते हैं,
बट ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है रिवोल्यूशनरी में जितने आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह है ना। ये एक फेज है 1931 में भगत सिंह और राजगुरु, बहुत कम लोगों को पता होगा कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे 8 अगस्त को 1908 को। इन दोनों को फांसी दे दी जाती है आजाद अल्फर्ड पार्क, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज में है, वहां पे अपनी लास्ट गोली खुद को ही मार लेते हैं। और इस तरीके से फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली फ्रॉम यूपी एंड पंजाब खत्म होता है। मेरे ख्याल से आपके पास 200 शब्द आ गए होंगे, अगर 50 शब्द और चाहिए कूद जाइए बंगाल में, बंगाल चले आइए। बंगाल में कौन इंतजार कर रहा है भाई? सूर्य कुमार सिंह, सूर्य सिंह जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है, मनोज वाजपेयी ने एक फिल्म बनाई थी इनपे, ये करेंगे चटगांव आर्मरी। आपको फेज वाइज दिखाना है, रीजन वाइज दिखाना है, अगर फिर भी जगह बच जाए तो आप एक इनोवेटिव आंसर लिख सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक मैप बनाइए इंडिया का, और इसमें आप ये दिखाइए कि ये शुरुआत होता है यहां से, बंगाल से शुरुआत होकर के यूपी पहुंचता है, वापस यूपी से फिर बंगाल आता है। आप तीन चार यहां पे जगह का नाम दिखा दीजिए, जैसे चटगांव हो गया, कोलकाता हो गया, यहां लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, और फिर ये वापस आता है घूम करके बंगाल में, रिवोल्यूशनरी बंगाल से शुरू होकर वापस बंगाल आते हैं। आप ईयर के साथ, इंसिडेंट के साथ चीजों को दिखा सकते हैं। दिल्ली को भी मेंशन करेंगे, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन पे अटैक किया जाता है, सेंट्रल असेंबली पे अटैक किया जाता है। हाँ, पंजाब जाना भी ना भूले, पंजाब होकर आइए, ठीक है। तो इससे आप एक मैसेज दे रहे हैं, फिर आपको हर जगह नहीं दिखाना, लिखना नहीं पड़ेगा कि 1924 में हरा बनाया गया। आप मैप में दिखा दीजिए कि 1924 में यहाँ पे बंगाल में कोलकाता में हरा बनाया गया, यहाँ दिल्ली में 1928 में, बस इतना लिखना लिख दीजिए कि यहाँ पे हसरा बनाया गया, है ना। तो ये एक बेटर व्यू पॉइंट करेगा। नेक्स्ट फेज रिवोल्यूशनरी का हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे।